अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शारका दानिश। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा, जी, रीडायरेक्ट एरर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रीडायरेक्ट एरर। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं पाकिस्तान लीड के, इस टाइम पाकिस्तान लीड के GSE पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो एरर्स हैं वो हमें यहाँ पेजेस पर दिखते हैं कि जो पेजेस हमारे इंडेक्स नहीं हो रहे हैं उनके अंदर क्या इश्यूज हैं। मैंने वन बाय वन सब पर ही वीडियो बनाई हुई है, और इसमें हम डिस्कशन की हुई है कि ये एरर्स क्यों आते हैं, क्या रीज़न है इनका, और ये कैसे सॉल्व होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, और एक प्लेलिस्ट रेडी की हुई है जो आप लोगों के पास आ जाएगी, और बहुत जल्द आप लोग जो हैं वो एक ही जगह अपने तमाम एरर्स के बारे में ईजीली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो पर आते हैं। ये है रीडायरेक्ट एरर। रीडायरेक्ट एरर में अभी देखिए 4 इफेक्टेड पेजेस हैं मेरे इस वक्त, ठीक है? आपको ये 4 URLs नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले ऊपर वाले जो आपको URL नजर आ रहा है उस पे जाती हूँ, और ये मैं इंस्पेक्ट URL करती हूँ। अच्छा, ये देखिए, URL इज नॉट ऑन गूगल, ओके? हमें क्या करना है, हम चेक करते हैं इसकी robot.txt, और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या एरर है जिसकी वजह से नहीं इंडेक्स हुआ है। और ये देखें, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, 0 error 0 warning, और ये अलाउड भी है, तो इसमें तो कोई मसला है ही नहीं, ठीक है? तो हमें क्या करना है जनाब, हम जाएंगे सिंपल, और इंस्पेक्ट URL पे जाने के बाद हमने मैनुअली रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है? और आप ओके, और ये देखिए, आप URL इज अवेलेबल टू गूगल, यानी कि ये हमारा इंडेक्स हो गया है, ठीक है? तो अब आप इसी तरीके से अपने जितने भी URLs आपके पास हैं इस इशू से रिलेटेड, आप उसको इसी तरीके से चेक करेंगे और अपने प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है? और ये सब कुछ आप जब कर लें तो सिंपल वैलिडेट फिक्स के बटन को क्लिक करें और अपने एरर को सॉल्व कर लें, और कुछ ही दिनों में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 week और उससे भी कम, आपका ये एरर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।